विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। यह आज तीसरा चरण शुरू हो गया है। दुकान के नंबर देख ली, एक नंबर डाला लागे यह दुकान। हम अंदर वाले दुकानदारन से पूछा चाहे थे कि एक नंबर हो के बाद दुकान काहे खोली गई ही, काहे की आवश्यकता यह है कि जागरूकता है कि नहीं एहू के कहन कहन जाँच हो चाहे। ये आपकी एक नंबर दुकान है, आज 4 तारीख है, क्यों खोले हैं आप? यहाँ पे अभी केवल एक नंबर ही लिखा गया है। इस दुकान के अंदर कैंपस के अंदर हमारी 4-5 दुकानें हैं, तो उनको नंबरिंग प्रॉपर नहीं की गई कि एक नंबर में कौन सी है, 2 नंबर में कौन सी है। नहीं तो आपको मालूम है ना कि ये दुकान तो एक नंबर में है ना। ये कैंपस के बाहर ही सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है ना उन्होंने? नहीं तो कैंपस के बाहर नहीं, आपकी दुकान के बगल में उन्होंने एक नंबर मार्क किया हुआ है। आपको मालूम है, जानकारी है कि नहीं? नहीं अभी हमें जानकारी नहीं मिली। किस चीज़ की जानकारी नहीं है आपको? क्या आप दुकान खोलने का जो नया नियम है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं? हमें केवल ये जानकारी मिली थी कि दुकान के नंबर डिसाइड किए जाएंगे। नंबर डिसाइड होने के बाद ये बताया जाएगा कि इवेंट डे और डे में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी। आज तारीख कौन सी है? 4। आज ऑड है, इवन है? इवन तो खुलनी चाहिए आपकी कि बंद होनी चाहिए? अब सिस्टम के हिसाब से एक नंबर है तो नहीं खुलनी चाहिए हमारी। तो आपने क्यों खोला हुआ है? अभी मैसेज हमारे पास नहीं था इसलिए हमने खोली है। नहीं, आपके दुकान में बकायदा नंबर डाला हुआ है, आपको दुकानें बंद रखनी चाहिए। तो क्या मतलब लॉकडाउन आपके लिए मजाक है? नहीं, हम तो बराबर फॉलो कर रहे हैं बार बार। तो आज ही क्यों ऐसा आपके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है? अब आज तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते आपको। तो यही व्यापारी जो लॉकडाउन के पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन के कितने बेहतर ढंग से कहो न कहो पालन हो रहा है, यह शासन प्रशासन सबका देखा क्या आवश्यकता है। और लोगों से हम बात करी थे कि उनका लॉकडाउन के नियम कायदा पता है कि नहीं? पता है। यह क्या नंबर दुकान है अपना? क्या ये सब एक नंबर में ही आ रही हैं? अभी तक इस दुकान की कोई नंबरिंग नहीं हुई है, केवल कैंपस के बाहर एक नंबर लिखा गया है और इस दुकान को काम चल रहा है उसके लिए खोले गए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अंदर। तो सोशल वो भी उसको जानकारी नहीं है, वो जो बता रहा है उनका भी काम ही चल रहा है, खोला काम के बेस पे गया है। अब कस्टमर ऐसे हैं कि जो सब अपने ही हैं, जान पहचान के हैं, तो सामान देना पड़ जा रहा है। दुकान खुली काम के, उससे फर्नीचर का काम चल रहा है। नहीं तो यह बताइए कि पहले का शासन प्रशासन जो मैसेज पहुँचा रहा है कि यह लॉकडाउन के तृतीय चरण में दुकानें कौ में खोले गए कऊ में बंद करे है, एक जानकारी है? उसकी जानकारी है लेकिन उसका नंबरिंग तो सही ढंग से होगा। हमारे यहाँ अब ये कैंपस के बाहर केवल एक नंबर डला हुआ है, इसके अंदर कई दुकानें हैं और डिस्टेंसिंग में हैं, तो अभी तक तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है उसका कैसा क्या है, कौन सी खुलेगी कौन सी बंद रहेगी। नहीं तो प्रशासन मान ली कहूँ गलती कह रहा है तो जनता की क्या फर्ज बना था? जनता का फर्ज बनता है कि भाई प्रशासन के माने। नहीं मान ली, जैसा कंफ्यूजन है तो उसका क्लियर करे के बाद खोला जाए। इस कर उसको क्लियर करने नगर पालिका गए थे, उन्होंने कहा था कि हम फिर से आपकी नंबरिंग ढंग से करा देते हैं, आप खोलिए, खोल लीजिए दुकान, उन्होंने ये बोला। कौन अधिकारी बोला है ऐसा? अब चाचा जी गए थे वहाँ, कौन मिला है ये जानकारी नहीं है, किससे मुलाकात हुई है, बाकी नगर पालिका गए। चलिए यह तो हाल है, ये लक्ष्मी मार्केट में है या एक दुकान के आए का है कि मैं एक नंबर डाला रहा, ऐसे लोगों के जिज्ञासा रही कि एक नंबर के का हुई, तो वह देख ली है स्थिति की प्रशासन कितना एक्टिव है। संजीव मिश्रा पत्रकार हमारे साथ खड़े हैं, शहर के पूरा भ्रमण कर चुके हैं, गांधी चौराहा घोड़ा चौराहा सब का स्थिति है। संजीव जी देखिए, आज के दिन पूरे बाजार क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है, दुकानदारों को पता ही नहीं कि कौन सी दुकान खोलना है, कौन दुकान खोला है कौन दुकान नहीं खोला है, ये केहू को पता ही नहीं है। सब कहाँ एक ही फ़ोन लगावत, कहाँ ओके लगावत है, यहाँ तक कि अब जो उन प्रशासनिक अधिकारी उनका खुद ही नहीं पता है कि कौन दुकान खोले है कौन नहीं है। तो यहाँ पहली गलती तो प्रशासन के मानव कि बिल्कुल गलत जानकारी ही, भ्रामक जानकारी ही, 7 पन्ना क्यों आदेश तक दे दी थी, पर वो टक्कर कहाँ था नहीं लिखा है कि कौन खोले है कौन नहीं खोले का है। ऐसा उम्मीद है कि 1250 दुकान हैं वो आज शाम तक कंप्लीट हो जाए नंबरिंग, अब तक नंबरिंग नहीं भया साल की दुकान अनुवा। नहीं संजीव जी, सब बात ठीक है, ये के खितिर की इंजाल लगे हम, ये आम जनता खातिर है, जनता खितिर की इंजाल लगे, जनता इतना इंतजार करीस, इतना तपस्या करीस, तो का एक दिन यदि व्यवस्था बनावे खितिर सहयोग ना हो चाहिए?
सहयोग हो चाहे सीधी जनता पूर्व सहयोग करल लागी, पर सबसे बड़ी चीज़ है प्रशासन स्पष्ट निर्देश गाइडलाइन जारी नहीं कराते। पहल गलती प्रशासन के है, दूसर गलती जनता के है। देखिए अब एंठा सामने अगर कैमरा हम निवेदन कर कैमरामैन से कैमरा पीछे के घुमावे एंठा मार्क बना लाग है चारों कई सोशल डिस्टेंस के पालन करे खातिर, पर सब सट सट के खड़े लागे। ये कहो कहो गलत है, जनता की गलती है, दुकानदार तो अपन निशाना बनाए लागे कि एंठा खड़े को हो एक अगर घेरा देखा भी चल गए घेरा खाली है। एवं पहली गलती तो जनता की है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं है। हर जगह दुकानदार गलत नहीं हुए, हर जगह प्रशासन गलत नहीं हुए। एक समग्र योजना हो चाहिए, हर जगह जागरूकता की अभियान हो चाहिए, लोगों का बतावे चाहिए। दुकानदार अभी तक बताए नहीं कि भैया लाइन से खड़े हो, तो दुकानदारों की गलती ही है। हम तो यह मानव कि स्पष्ट हो चाहिए, जन जागरूकता आई धीरे धीरे आई। तो अब हम यह दुकान के थोका अपना का नज़र घुमावे कही थे, भैया थोका ऐसे फ्री ना, अपना मास्क वगैरह कहीं नहीं लगाया है, गाड़ी में रखा ला है। हाँ? गाड़ी में रखा ला है। तो गाड़ी में रखे का ले है? नहीं गाड़ी में रखे तो नहीं लगाया। हाँ? नहीं ले यहाँ गाड़ी में रखे का। तब फिर काहे नहीं लगाया है? अब यही खड़ी है, अब नहीं लगाना है, क्या बताए। यह स्थिति है कि मतलब मास्क जो इतना जरूरी है ओकर का स्थिति है। यह बताइए सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा होकर है एक एक मीटर के दूरी में अपना बच्चे बिल्कुल गांठ जोड़ के ठाड़ है, तो कहाँ है? गलती हो गई, नहीं खड़े होंगे। नहीं तो अपना दुकान में सामान ले आए हैं तो नियम कानून के पालन करे में दिक्कत ही का? कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं, करे चाहे नियम कानून पालन। नहीं की जानकारी नहीं है नियम कानून? नहीं जानकारी है। तो यह है स्थिति, लोग जो हैं खड़े जरूर हैं किंतु दुकानों एक नंबर के संचाली थी या बराबर अपना देख सकी थे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के बात कही जाती वह स्थिति यह में गंभीर ही, केवल और केवल स्थिति यह ही कि प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहा है कि प्रशासन सही ढंग से उनका जानकारी लोगों को उपलब्ध नहीं कराए रहा है और दूसरा